ओके, सो हमने लास्ट टाइम साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ देखा था, कुछ इस तरह आया था। फिर हमने कॉस एक्स फंक्शन का ग्राफ देखा था। सी सैलिएंट पॉइंट्स, इफ यू रिमेम्बर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंगल्स, दिस इज 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 देन 2 पाई देन फिर आगे और है पाई बाय 2 ऐड करते जा सकते हैं। तो कोसाइन फंक्शन कुछ इस तरह था, दोनों फंक्शंस मैक्सिमम प्लस वन और माइनस वन, ये भी प्लस वन और माइनस वन पे जा रहा है। दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें फेज शिफ्ट नजर आया कितना, पाई बाय टू का। मतलब मान लो ये मैक्सिमम को यहां जा रहा है, ये पहले ही जा रहा है पाई बाय टू एंगल से आगे ऑन कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस वन को जा रहा है, ये भी प्लस वन को जा रहा है, कितने कितने एंगल के बाद पाई बाय टू। मतलब कॉस एक्स फंक्शन और साइन एक्स फंक्शन में फेज शिफ्ट है कितने एंगल की, पाई बाय टू। मान लो कि साइन एक्स पीछे पड़ गया है कॉस एक्स के, कॉस एक्स जीरो को गया है यहाँ, उसके बाद पाई बाय टू के एंगल के बाद साइन एक्स जीरो। देखो ये पहले प्लस वन को गया, बाद में ये प्लस वन को गया, तो जो कॉस एक्स कर रहा है वही साइन एक्स कर रहा है, लेकिन कितने एंगल के बाद, पाई बाय टू एंगल। तो इन दोनों फंक्शंस में पाई बाय टू की क्या पाई ले ली, फेज शिफ्ट। ठीक है, ये फेज शिफ्ट समझ में आ रहा है कंसेप्ट नाउ। और हमने डोमेन और रियल रेंज के बारे में जाना, क्या डोमेन था। सी डोमेन साइन एक्स फंक्शन, मतलब एक्स कहाँ से, एक्स इज ऑलवेज रियल, और रेंज भी रियल ही है, लेकिन रेंज प्लस वन टू माइनस वन, ये दोनों डोमेन और रेंज, साइन एक्स का भी वही है और कॉस एक्स का भी वही है, साइन एक्स कॉस एक्स दोनों का डोमेन और रेंज क्या है, सेम। रेंज मतलब व्हाट, y कहाँ, देखो हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा लिखते हैं। x कहाँ से आया है, x टाइम एक्सिस ले लो या रियल नंबर है, y कहाँ जाएगा, रियल प्लस और, मतलब अगर हम ऐसे प्लॉट करते हैं इधर y और इधर x और हम लिखते हैं ये फंक्शन है y इज साइन ऑफ x, तो x 0 है तो y 0 है, x pi by 2 है तो y भी 1 है, माइनस pi by 2 है माइनस 1, लाइक दिस। एनीवे मैक्सिमम प्लस 1 और माइनस 1 बीच में के भी वैल्यूज आए, तो y टेक्स ऑल वैल्यूज, रेंज कहां से कहां तक है, 1 टू माइनस 1 इंक्लूडिंग 1 एंड 0, दिस इज नोन एज अ क्लोज्ड इंटरवल, इसको हमने एक नाम दिया था क्या, क्लोज्ड इंटरवल। तो ये हो गया ग्राफ्स इसके, साइन एक्स का और कॉस एक्स का ग्राफ। अब हमें और कुछ ग्राफ्स प्लॉट करने हैं, नेक्स्ट जो हमें करना है टैन एक्स का ग्राफ, वाई इज इक्वल टू टैन एक्स, टेंजेंट फंक्शन। फिर से हम लोग स्केच करने जा रहे हैं, इधर एक्स है, इधर कौन है, वाई है, मान लो एक्स यहाँ जीरो, सेलियंट पॉइंट्स पाई बाय टू, बाद में हम लोग लेते हैं पाई, फिर थ्री पाई बाय टू, फिर टू पाई, फिर टू पाई प्लस पाई बाय टू, जैसे टू पाई प्लस पाई बाय टू है क्या आएगा, फाइव पाई बाय टू, फिर फाइव पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, सिक्स पाई बाय टू, सिक्स पाई बाय टू मतलब थ्री पाई,
लाइकवाइज, मतलब देखो सैलिएंट पॉइंट्स लेते हैं हम लोग क्या करते जाते हैं जनरली π/2 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 का एडिशन करते करते चले जाते हैं। इधर भी हम ले सकते हैं व्हाट -π/2 ये -π लाइकवाइज। अब tan x फंक्शन कैसा है, tan 0 क्या है याद है आपको, tan 0 sin 0 upon cos 0 tan 0 0 है cos 0 1 तो tan 0 की क्या है 0 और tan π/2 sin π/2 upon cos π/2 ऐसा याद करो, sin π/2 1 है ये आ गया infinity। तो 0 to π/2 याद है फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा 0 टू पाई बाय, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन फंक्शन यहाँ 0 है, यहाँ तक जाते जाते क्या हो गया इनफिनिटी, बीच में भी वैल्यू है जैसे टैन पाई बाय 4 क्या है 1/√2, टैन 45 है ना, पाई बाय 4 क्या होता है 45 1/√2 होता है, बीच में की वैल्यू भी है। तो अगर हम इसे स्केच करें तो पाई बाय 2 तक जाते जाते इन्फिनिटी हो रहा है, और माइनस अगर हम नीचे आते फोर्थ क्वार्टर -π/2 की तरफ तो टेन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, मतलब इधर नेगेटिव है, ये कौन सा क्वार्टर आएगा फोर्थ क्वार्टर, तो तुम्हारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह है। देखो ये पॉइंट पे ग्राफ कट हो रहा है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, पाई बाय 2 पे भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, माइनस पाई बाय 2 पे भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब टेन पाई बाय 2 टेन माइनस पाई बाय 2 डिफाइन नहीं है इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहा है। फिर से इधर अगर प्लॉट करें आप ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएंगे पाई बाय 2 टू पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव रहेगा, ये पॉइंट से टेन पाई क्या आएगा टेन पाई 0 है क्योंकि साइन पाई अपॉन कॉस पाई, साइन पाई 0 है कॉस पाई 1 है माइनस वन है सॉरी 0 अपॉन समथिंग 0 मतलब थ्री पाई बाय 2 पे जाते जाते फिर से क्या हो गया इंफिनिटी की तरफ गया। तो इस तरह टैन का जो ग्राफ है तो अगर आपने स्केच किया तो आपको डिसकंटिन्यूटी मिल रही है ऐसे ऐसे जगह, इधर भी ऐसा ही रहे फिर से ओके। तो टेंजेंट फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, बट टेंजेंट फंक्शंस को कौन से एक्स पे टैन डिफाइंड नहीं है, पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है, 3 पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है, माइनस पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है ओके। तो ये सारे पॉइंट्स छोड़ देना पड़ेगा, मतलब हम लोग लिखेंगे x आया कहाँ से, x तो रियल है लेकिन सारे रियल नंबर नहीं ले सकते, कौन से नहीं ले सकते, पाई बाय 2 नहीं ले सकते, 3 पाई बाय 2 नहीं ले सकते, 5 पाई बाय 2 नहीं ले सकते, माइनस पाई बाय 2 नहीं ले सकते। तो जो भी अगर पाई बाय 2 को कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 1 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, यहाँ पे माइनस 1 हो रहा है, तो ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल। अब अगर हम लोग इसे थोड़ा मैथमेटिक्स में लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं ट्वाइस एन प्लस वन पाई बाय 2 वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। देखो ये एंगल से कैसे एन 0 लिया तो ये चीज 0 हो गई तो एंगल बन गया पाई बाय 2, प्लस और माइनस भी लेना पड़ेगा ऑफकोर्स, एक्चुअली प्लस और माइनस को लिखने के लिए जेड मतलब प्लस भी आ सकते हैं और माइनस, मतलब एन 0 लिया तो व्हाट विल बी दैट एंगल, पाई बाय 2 पे नहीं चलेगा, एन 1 ले लो क्या हो गया 2 इंटू 1 3 2 प्लस 1 3 3 पाई बाय 2 नहीं चलेगा, एन 2 ले लो क्या नहीं चलेगा 5 पाई बाय 2 नहीं चलेगा ओके। फिर से एन मान लो माइनस 1 ले क्या हो गया माइनस 2 प्लस 1 माइनस पाई बाय 2 भी नहीं चलेगा, एन माइनस 2 ले लो उसके आगे वाला ये आएगा लाइक दिस, मतलब ऐसे जिस कुछ एंगल्स आएंगे देखो ये ग्राफ आगे भी ऐसा आएगा ऐसा ही चलेगा, इसके आगे एक पॉइंट आएगा ना यहाँ पे और डिस्कंटिन्यूटी मिलती रहेगी।
तो ये जितने भी पॉइंट्स है वो छोड़ देना पड़ेगा x में से। तो हम बोलेंगे डोमेन, टेंजेंट फंक्शन का डोमेन, डोमेन मतलब व्हाट, x कहाँ से आना चाहिए। पूरा रियल नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा पूरा रियल, पूरा रियल लेंगे तो ये पॉइंट्स भी आ जाएंगे। हम लोग रियल तो ले रहे हैं x, ये पॉइंट्स छोड़ के, मतलब हम बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू रियल माइनस ट्वाइस एन प्लस वन पाई बाई टू प्लस, और सॉरी इतना लिख दिया तो भी चलेगा, ट्वाइस एन प्लस वन पाई बाई टू ये लोग छोड़ के, वेयर एन बिलोंग्स टू व्हाट, मतलब इतने लोगों को छोड़ दो और जो सेट बनेगा रियल तो है लेकिन ये लोग छोड़ के वो चलेंगे x, ठीक है। अब y कहाँ चलेगा, y तो जा रहा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी की तरफ जा रहा, मतलब y टेक ऑल रियल वैल्यूज, मतलब रेंज क्या है पूरा रियल, बट x क्या है, डोमेन कहाँ से कहाँ तक अलाउड है, डोमेन रियल अलाउड है जरूर लेकिन कौन से पॉइंट छोड़ के, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z, ये छोड़ के टेंजेंट फंक्शन क्या हो जाएगा डिफाइन हो जाएगा। समझ आ रहा आपको, ऐसा क्यों, क्योंकि ये पॉइंट्स पे टेंजेंट फंक्शन कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो टेंजेंट का ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है, कैसा है, डिसकंटिन्यूस, ओके। और उसके डोमेन में देखो साइन और कॉस में पूरा रियल लो, हम डोमेन ले सकते हैं, वहाँ पे रेंज प्लस माइनस वन पे रुक गई थी, यहाँ पे रेंज देखो कहाँ से कहाँ प्लस इन्फिनिटी टू, मतलब पूरा रियल एक्सिस, तो रेंज पूरा रियल लेकिन डोमेन में रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन मतलब ये लोग नहीं चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूस। ओके, सो दिस वाज द ग्राफ ऑफ tan x, नेक्स्ट यू वांट टू डिस्कस ग्राफ ऑफ cot x फंक्शन। सो y is equal to cot x, this is our function, we know what is cot x, cot x is cos x upon sin x, ठीक है, cos x upon sin x, इसका ग्राफ बनाना है। फिर से हम लोग सेलियंट पॉइंट्स ले लें, इधर x से जीरो पाई बाई टू, देन पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई एंड सो ऑन, इधर माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई एंड सो ऑन, इधर भी है। अभी मान लो आप जीरो पे है, x इज इक्वल टू जीरो, व्हाट इज y, cot of 0, what is cot of 0, cos of 0 upon sin of 0, what is cos of 0, 1 upon 0, this becomes infinity, 0 pe infinity, मान लो आप pi by 2 pe, cot of pi by 2 will be what, cos of pi by 2 upon sin of pi by 2, what is cos of pi by 2, cos 90 जीरो होता है, sin 91 होता है, तो ये आ गया जीरो। मान लो आप पाई पे आ, cos पाई इज व्हाट, सॉरी cot पाई इज व्हाट, cos पाई अपॉन sin पाई, व्हाट इज cos पाई, cos 180 माइनस 1 होता है, ऑन जीरो, ये आ गया फिर से इंफिनिटी, ओके। इस तरह आपका जो ग्राफ है देखो, यहाँ इन्फिनिटी है, जीरो पे इन्फिनिटी है, फिर इधर जीरो है, फिर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये कुछ ऐसे चल रहा है। ओके, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, ऐसा चल रहा, ये जा रहा किधर, ये भी इन्फिनिटी, फिर से ऐसा आ गई बात समझ, इस तरह इधर भी ऐसे ही रहे, देखो इधर ऐसे आए इंफिनिटी, मतलब जीरो की तरफ आ रहा है तो इंफिनिटी की तरफ, इंफिनिटी वाले पॉइंट क्या है, जीरो एक पॉइंट, पाई एक पॉइंट,
2π 8 point. ओके माइनस पाई 1 point. तो अगर हम लोग इसे जनरलाइज लिख दे तो एन पाई है, तो एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड. ये जो पॉइंट्स है अगर आप एन जीरो पुट कर आपका x क्या आ गया जीरो आ गया ये पॉइंट. अगर आप n प्लस वन पुट कर n इज इक्वल टू वन आपका पॉइंट क्या आ गया पाई आ गया. अगर आप n माइनस वन पुट करते पॉइंट क्या आ गया माइनस पाई आ गया. तो ये सारे जो भी पॉइंट है इन जनरल हम लिखते हैं n पाई वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट z. ये सारे पॉइंट्स पे फंक्शन कहाँ जा रहा है ये सारे पॉइंट्स पे फंक्शन इंफिनिटी की तरफ जा रहा है. तो ये पॉइंट्स हमें अलाउड नहीं है, मतलब टेंजेंट कोटेंजेंट फंक्शन का हम लोग रेंज और डोमेन अगर सोचते हैं तो डोमेन में कौन अलाउड नहीं सारे रियल नंबर एक्सेप्ट मतलब वी कैन रेस्ट्रिक्ट डोमेन. क्यों अलाउड नहीं समझ में आ रहा आपको वी कैन राइट डाउन द डोमेन. सो डोमेन That is x कहाँ से आने वाला डोमेन मतलब x कहाँ से x should be real minus n pi where n belongs to z. सारे रियल नंबर लेना है कौन से छोड़ के जो इसके मल्टीपल है पाई के मल्टीपल. ओके इवन जीरो भी क्योंकि n z मतलब what जीरो प्लस वन माइनस वन सब अलग है. और रेंज क्या है देखो रेंज मतलब y कहाँ से कहाँ तक चल रहा है y तो चल रहा है माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी y तो सारी वैल्यू ले रहा है मतलब y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स. समझ में आ रहा आपको. सो डोमेन ये हो गई रेंज हो गई. ये किसका हमने डिस्कस किया कोटेंजेंट फंक्शन. देखो टेंजेंट और कोटेंजेंट का ग्राफ थोड़ा उल्टा आ रहा है. वो ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा था आपको याद है टेंजेंट का ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा था. ये डॉटेड वाली लाइन बता रही है किसका ग्राफ टेंजेंट और कोटेंजेंट उल्टा चल रहा है क्योंकि कोटेंजेंट और टेंजेंट एक दूसरे के क्या है इनवर्स है. समझ में आ रही बात. इस तरह हम प्लॉट किया है इसका ग्राफ है और रेंज और डोमेन सॉरी रेंज और डोमेन के बारे में हमें सेंट्रल आइडिया आ गया है. ओके सो नेक्स्ट इज y is equal to seconds. इस फंक्शन का हमें ग्राफ क्या करना है स्केच करना है. What is secs? 1/cosx. अगर हमें cosx का ग्राफ याद है जैसे फॉर एग्जाम्पल में शुरू में किसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं cos x का और ये साइलेंट पॉइंट से 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई एंड हियर इज माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई वगैरह वगैरह. तो हमने ग्राफ देखा था cos x का ऐसे चल रहा था सही है प्लस इधर प्लस 1 हो रहा था और इधर माइनस वन थोड़ा ऊपर आना चाहिए ठीक है ऐसा कुछ और फिर नीचे आ रहा था इस तरह इधर भी जा रहा था एंड सो ऑन. अब सेकेक्स कैसे काम करेगा वही जगह पे सेकेक्स कैसे रहेगा इधर एक्स से देखो यहां वन है सेक जीरो भी वन रहेगा क्योंकि वन अपॉन वन ठीक है. यहां देखो ये जीरो है तो सेक किधर जाएगा इंफिनिटी की तरफ है 1/0. तो ये पॉइंट जो है पाई बाय 2 हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0 टू पाई बाय 2 ऑल रेशियोस आर पॉजिटिव. ये पॉइंट है माइनस पाई बाय 2 इधर भी ये जीरो है उधर भी वो इंफिनिटी की तरफ जाए. तो आप समझ रहे होंगे कि ये ग्राफ सेक एक्स का जो है कुछ ऐसे जाएगा ऊपर बढ़ते पढ़ते जाएंगे इधर भी पढ़ते पढ़ते फिर यहां आते हैं यहां माइनस वन सेक भी
वन अपॉन माइनस वन, मतलब देखो ये प्लस वन वाला पॉइंट है, इधर है क्या मान लो माइनस, तो वो भी माइनस वन रहेगा, यहाँ माइनस वन आएगा, लेकिन इधर और इधर यहाँ फिर भी, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में से एक नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, तो ग्राफ आपको ऐसे नजर आएगा। समझ में आ रहा आपको, ये पॉइंट्स पे वो कहा जा रहा है इंफिनिटी की तरफ, ये भी इंफिनिटी की तरफ, इंफिनिटी की तरफ, इंफिनिटी की तरफ, इस तरफ फिर आगे और चलेगा ग्राफ, ऐसे चलेगा, हम लोग फोर्थ क्वार्टर में पहुंच गए, फिर ऐसा चलेगा इधर, फिर अगर आप आते हैं इधर वाला प्लॉट करने जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा इधर भी नजर आ गया लाइक दिस, तो इस तरफ सेक फंक्शन वर्क कर रहा है, तो कौन से पॉइंट पे वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है वो हम नोट कर रहे हैं। देखो यहाँ जा रहा है पाई बाय टू पे जा रहा है, फिर कहा जा रहा है माइनस पाई बाय टू पे जा रहा है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे जा रहा है, ऑड मल्टीपल मतलब याद है वो एक्सप्रेशन ट्वाइस एन प्लस वन पाई बाय टू एन बिलोंग्स टू सेट, ये लोग हमें नहीं चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि वो जगह पे फंक्शन इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो डोमेन कहाँ है, डोमेन मतलब x कहां से आएगा, x will be taken from all reals minus, this is a restriction twice n plus 1 pi by 2 छोड़ के where n belongs to z, डोमेन। अब रेंज के बारे में सोचा जाए, देखो प्लस 1 से माइनस 1 कभी आएगा ही नहीं, वो प्लस 1 तक ही आएगा, ऊपर ही जाएगा, इधर भी नीचे ही है, मतलब ये जो बीच में का जोन है, जब कॉसेक्स देखो तो वो इसके बीच में चल रहा है, ये इसके बीच में कभी नहीं है, मतलब रेंज में मतलब वाई कहां से, साले रियल तो है, रियल है नो डाउट, माइनस ओपन इंटरवल प्लस वन टू माइनस वन, देखो ओपन इंटरवल लेने का रीजन क्या है, प्लस वन माइनस वन आएंगे लेकिन प्लस वन और माइनस वन के बीच में जो भी है ये कभी नहीं है, ये लोग रेंज में नहीं आएंगे, क्योंकि कोई एक्स ऐसा नहीं रहेगा जहां ये वैल्यू जाती है सेक एक्स की, समझ में आ रही है, तो इस तरह सेक एक्स फंक्शन देखो कैसे प्लॉट किया हमने, कॉस को ही देखा, कॉस को ही उल्टा किया है, एक सीधी सिंपल सी बात, देखो ये डिश है ना, ऐसे डिश है, इस डिश को उल्टा कर दो, ये डिश है इसको भी उल्टा कर दो, ऐसे इस तरह आप सेकंड स्टेप, और सिंपल सी बात यहाँ जीरो है तो ये इनफिनिटी आ गई पाई बाय टू, तो इस तरह आप सेकंड भी क्या कर सकते हैं, समझ में आ रहा है डोमेन है कुछ, इस तरह कोसेकेक्स क्या होता है, कोसेकेक्स होता है वन अपॉन साइन एक्स, तो जाहिर सी बात है कि साइन एक्स के फंक्शन से हम कोसेकेक्स क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, तो हम फिर से साइन एक्स वाला ग्राफ याद करते हैं, एक्स इधर क्या है वाई, वाई इज व्हाट साइन ऑफ एक्स, तो फिर से सैलिएंट पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, इधर वाले माइनस पाई बाय टू तो हमने देखा था कि साइन एक्स फंक्शन कुछ ऐसा चलता है, इस कहां से कहां तक जाता है प्लस वन और इधर माइनस वन, तो द सेम लाइन वी कैन प्लॉट ऐसे करस्पॉन्डिंग्स ले लेते हैं, ये पाई बाय टू हो गया, ये क्या हो गया पाई हो गया, इधर आ गया थ्री पाई बाय टू, इधर आ गया टू पाई, इधर आ गया माइनस पाई बाय टू माइनस पाई वगैरह वगैरह, तो इस तरह जीरो नहीं चलेगा, देखो यहां पे क्या होगा सेक जीरो, सॉरी कोसेक जीरो इज वन अपॉन जीरो,
इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये डिश को हम उल्टा करते हैं, देखो तो यहां वन है, ये भी वन आएगा क्योंकि वन अपॉन वन वन होता है, तो ये डिश ऐसी हो जाएगी, समझ में आ रही बात। और इस डिश को थ्री पाई बाय टू पे देखो माइनस वन है, तो यहां भी माइनस वन ही आएगा, लेकिन पाई पे जीरो है, इधर जीरो है, तो इंफिनिटी की तरफ जाना है, समझ में आ रही बात। तो ये डिश ऐसी नीचे गई, फिर आगे जाते ऐसा ही होते रहेगा, ये डिश इधर जाएगी फिर ऊपर जाएगी, फिर इधर देख माइनस पाई बाय टू पे माइनस वन, ये भी माइनस वन आना है, लेकिन इधर इंफिनिटी और इधर इंफिनिटी आना है, इस तरह आएगी, समझ आ रहा आपको, इधर फिर ऐसे आए। तो क्या अलाउड नहीं है हम लोग, देखो जीरो अलाउड नहीं है, पाई अलाउड नहीं है, माइनस पाई अलाउड नहीं है, एन पाई अलाउड नहीं है, मतलब डोमेन इसके बारे में सोच रहे हैं हम, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स से ये जो प्लॉट किया हमने, ये कौन सा प्लॉट किया, कोसेक एक्स, लेकिन किसका हेल्प लिया, साइन एक्स, साइन एक्स से कोसेक एक्स प्लॉट करना आसान है। तो डोमेन क्या है कोसेक एक्स का, एक्स शुड बी रियल माइनस एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, एन बिलोंग्स टू जेड, ये लोगों को छोड़ के। रेंज, रेंज में देखो वही रेंज है जो सेक का है, प्लस वन माइनस वन के ऊपर और नीचे ही सब चल रहा है, मतलब ये बीच में का तो जोन है, देखो प्लस वन माइनस वन आ रहा है लेकिन बीच में का जोन नहीं आ रहा है, तो बीच में का जोन छोड़ दो, मतलब रेंज क्या है, रियल मतलब y कहाँ से है, y बिलोंग्स टू रियल माइनस ओपन इंटरवल वन टू माइनस वन, वन टू माइनस वन कभी आएगा ही नहीं, बीच में का वन माइनस वन आएगा बीच में का, मतलब इसीलिए इसको हमें ओपन इंटरवल। तो इस तरह वी कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ विच फंक्शन, कोसेक एक्स फंक्शन, सो समझ में आया, साइन एक्स से ही कोसेक एक्स भी आराम से आप प्लॉट कर सकते। नाउ हमें कुछ फंक्शंस प्लॉट करने हैं, जैसे साइन बी एक्स, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, साइन एक्स हमने सीखा, साइन बी एक्स, बी क्या होगा कोई दूसरा रियल नंबर, जैसे कि मुझे साइन टू एक्स प्लॉट करना है, साइन एक्स पता है, साइन टू एक्स प्लॉट करना है, तो साइन एक्स तो हमने प्लॉट किया था, जिससे हम लोग पहले कहाँ से शुरू करते हैं, साइन एक्स से शुरू, माइनस पाई बाय टू, सो यू नो दैट साइन एक्स इज लाइक दिस, इट टेक्स वैल्यूज फ्रॉम प्लस वन टू माइनस वन, सो ऑन। अब साइन एक्स ये वाला है, ये साइन एक्स का ग्राफ, साइन टू एक्स का ग्राफ कैसे है, जब से x 0 है मान लो, x 0 sin 2 into 0 क्या होगा, sin 0 ही होगा, मतलब ये पॉइंट तो सेम आएगा, जब लेकिन x जब 45 है यहाँ पाई बाय 4 45, तब ये कितना होगा 90 हो जाएगा, मतलब तब ये 1 पे चला गया, जब x पाई बाय 2 है तब वो पाई हो जाएगा, तो पाई के हिसाब से वो 0 पे आ जाएगा। तो एक बात समझ लो, मैं डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डॉटेड वाली है, ये डॉटेड वाला जो ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये प्लॉट हो गया, ये जो है डॉटेड एकदम सिंपल है, इसका जब एक साइकिल होगा उसके दो साइकिल होंगे, देखो एक साइकिल कितना होता है, 2 पाई वाला एक साइकिल होता है, ओरिजिनल साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, इसमें देखो ये डॉटेड में देखो, इसका जब एक साइकिल होगा इसके दो साइकिल होगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरह इसका पीरियड क्या हो गया, चेंज हो गया, इसका पीरियड पाई हो गया, देखो ना पाई से फिर रिपीट रिपीट होना शुरू हो गया,
इस तरह। अगर साइन 3x का क्या होगा, इसका जब एक साइकिल होता है उसके तीन साइकिल होते हैं। इस तरह आप साइन bx इन जनरल क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। देखो साइन x शार्प लाइन है, डार्क लाइन है, और डॉटेड लाइन क्या है, यू कैन वेरीफाई दिस। समझ गए? अब y इज इक्वल टू a साइन bx ऐसा हम प्लॉट करना चाहते हैं, a और एक कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो गया। जैसे मान लो y इज इक्वल टू 3 साइन 2x ऐसा हमारा फंक्शन। 3 इज व्हाट, सम एडिशनल कांस्टेंट व्हिच गेट्स मल्टीप्लाइड। तो ये ग्राफ कैसे आएगा, यस अगेन विल टेक अ साइलेंट पॉइंट 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई एंड सो। हमने देखा कि जब पाई बाय 4 रहेगा, ये बीच में के पॉइंट ले रहा हमें समझ में आ रहा, क्योंकि 2x है, जब पाई बाय 4 रहेगा तब ये पाई बाय 2 हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन कैसे चलेगा, इधर ये मान लो प्लस वन वाली लाइन है और ये मान लो माइनस वन वाली लाइन है थोड़ी देर की। तो अगर ये थ्री नहीं रहता तो ये ऐसे चलता था, यहां से ऐसे, ठीक है, समझ आ रही बात, क्योंकि इसका पाई पीरियड होता था। और जब बड़े साइन एक्स का एक साइकिल 2 पाई में था, इसके दो साइकिल होते थे। देखो ना 2 पाई में कितने साइकिल होते, एक और दो, इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है। लेकिन आप और एक चीज है क्या, 3 से क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 1 पे नहीं जाएगा, जब 1 पे जाना है तो 1 इंटू 3 पे जाएगा, मतलब कहां जाएगा। तो देखो ये 1 ये 2 और ये और एक लाइन ऊपर ले रहा हूं मैं 3 वाली, इधर की ले रहे हैं, तो ये तब जब पाई बाय 2 पाई बाय 4 रहेगा तब ये पाई बाय 4 इंटू 2 पाई बाय 2 होगा, साइन पाई बाय 2 1 है, 1 इंटू 3 मतलब ये ऐसे जाएगा, समझ रहा आप, एम्पलीट्यूड 3 टाइम 3 गुना हो जाएगा हर वक्त। और ये कहा जाएगा यहां रहे ना, नीचे ऐसे ये पाई, फिर यहां वापस इधर जाएगा, समझ में आ रहा आपको, इस तरह। तो एम्पलीट्यूड प्लस वन माइनस वन नहीं रहेगा, प्लस थ्री माइनस थ्री में चेंज होगा, और साइकिल भी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है। तो 2 पाई में ओरिजिनल साइन एक्स का जहां एक ही साइकिल होता था, इसके दो साइकिल, देखो दोनों चेंज हो गए, एम्पलीट्यूड की स्केल हो गया है और फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई, समझ में आ रही बात। तो इस तरह आप इन जनरल a साइन bx क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। अब मान लो हमें y इज इक्वल टू a cos x क्या करना है, प्लॉट करना है, जैसे कि 3 cos x क्या चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, cos x के जैसा ही रहेगा लगभग, cos 0 क्या था 1 था, ये 1 into 3 आ जाएगा, समझ आ रही बात, तो यहां 3 पे चला गया, और cos pi minus 1 था तो वो यहां आ जाएगा minus 3, मतलब प्लॉट ऐसे आएगा। देखो ये एम्पलीट्यूड वाली जो लाइन है ये क्या है, प्लस 3 है, और ये वाली लाइन क्या है, माइनस 3, समझ में आ रहा आपको, इधर आएगा माइनस 3, इतना ही चेंज होगा। इस तरह आप a cos x क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं।
Okay. Now, next graph. A cos of dx वाला मतलब इन जैसे a cos of dx जैसे for example 2 cos of मतलब 3 cos of 2x जैसे sin का लिया था ठीक है here it is x here it is y 0 pi by 2 pi 3 pi by 2, 2 pi, minus pi by 2, minus pi, and so on. अब एक चीज नोट करो कि ओरिजिनल कॉस फंक्शन का पीरियड 2 pi था, इसका पीरियड pi हो जाएगा, इसका पीरियड pi हो जाएगा, मतलब और एक चीज, ये ठीक है कॉस x जब 0 है तो ये भी 1 पे जाने वाला है और 1 into 3 पे जाने वाला है ये इन यहां पे 3 लेकिन यहां से ही वो पहले यहां जाके 0 को मिल रहा था अब वो इधर ही 0 को मिलेगा और जब इधर जाएगा वो देखो पाई बाय 2 पे यहां आ गया वो ऐसे नीचे आ गया क्यों ये पाई बाय 4 है पाई बाय 4 into 2 पाई बाय 2 हो गया अब जब पाई बाय 2 पुट करो यहां पे तो पाई हो जाएगा तो ये जाएगा इधर माइनस 3 पे क्यों 3 है ऑलरेडी है ये कहीं माइनस 3 है यहां चला गया x फिर ये पॉइंट देखो अगर आप इसको एक साइकिल मानते हैं ये दूसरा भी साइकिल और एम्पलीट्यूड प्लस माइनस ये प्लस 3 प्लस माइनस 3 में भी शिफ्ट एम्पलीट्यूड भी चेंज हो गया और ग्राफ भी कंप्रेस हो गया समझ में आ रही बात इधर नीचे भी ऐसे आप कर सकते हैं This is the graph of a cos px. So plus minus 3. और जहाँ पहले original cos के एक cycle होता था, 2 pi में. इसके देखो एक और एक दो cycle.